आतंक एक ऐसा वायरस है जिससे हर कोई परेशान है। दुनिया ज्यादातर मुल्क आतंक की चपेट में और उसके खिलाफ लड़ रही है। आज हम आपको किसी आतंकी घटना या फिर किसी आतंकी संगठन के बारे में नहीं बताएंगे, बल्कि ये बताएंगे कि वो कौन सा गांव है जहां आतंकियों की लाश को कुत्तों को खिलाया जाता है। ये बात जानकर आपको हैरानी हो सकती है कि जिस गांव की बात हम कर रहे हैं वो कहीं और नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर की वादियों में बसा हुआ है। जी हां, कश्मीर में बसा काका हिल एक ऐसा गांव है जहां आतंकियों की लाशें जमीन में दफनाने के बजाय कुत्तों को खिलाया जाती है। गाँव वालों के इस कदम के पीछे भी एक कहानी छुपी हुई है। दरअसल काका हिल गाँव के लोग मूसा नाम के एक आतंकी से बहुत परेशान थे। वो गांव वालों को हर टाइम धमकाता रहता था, जिसे तंग आकर गांव वालों ने बड़ी हिम्मत दिखाकर उससे लड़ने का फैसला किया और आखिर में उसे मार गिराया, जिसके बाद मूसा के शव को एक गज जमीन भी नसीब होने नहीं दी और जंगली कुत्तों के आगे उसके शव को डाल दिया। तब से गांव वालों ने आतंकियों को पकड़कर उन्हें कुत्तों को खिलाना शुरू कर दिया। अब ना ही गाँव वालों के दिमाग में आतंकियों का खौफ है और ना ही गाँव में आतंकियों का साया। आज भी अगर इस गांव में कोई आतंकी मारा जाता है तो उसे दफनाने के बजाय उसकी लाश को कुत्तों के हवाले कर दिया जाता है। NMF न्यूज की रिपोर्ट।